दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि कभी भी हमें किसी का एहसान भूलना नहीं चाहिए। अगर किसी ने भी कभी भी जाने अनजाने में हमारे साथ कोई अच्छाई की है या एहसान किया है, तो कोशिश करनी चाहिए कि उस एहसान का बदला आप यहीं चुका सकें, क्योंकि सनातन धर्म में ये माना जाता है कि आपके कर्मों का हिसाब यहीं धरती पर होता है। आज एक ऐसी कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपका दिल रो पड़ेगा। कहानी एक स्वर्ण मृग की कहानी है। स्वर्ण मृग सोने की तरह बालों वाला बहुत खूबसूरत होता है। जो भी उसे देख ले उसे देखता रह जाए, वो सबका मन मोहने की क्षमता रखता है। आपने रामायण में स्वर्ण मृग का जिक्र सुना होगा, जिन्हें सीता जी ने देखा था और राम को उनका आखेट करने के लिए कहा था। ऐसे ही स्वर्ण मृग की कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जो सबके प्रति करुणा का भाव रखता है, लेकिन इंसान है फिर भी एहसानों का बदला पता नहीं कैसे उतारता है। एक स्वर्ण मृग होता है, वो जंगल में विचर रहा होता है। तभी उसे किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आती है और वो उस तरफ जाकर देखता है तो एक व्यक्ति तालाब में डूबा बहा जा रहा था। स्वर्ण मृग के मन में दया आती है और वो ऊपर से ही छलांग लगा देता है और नदी में उस आदमी से कहता है, मेरा पैर पकड़ लो, लेकिन आदमी उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाता है। स्वर्ण मृग चाहता तो उसे वहीं पानी में गिरा सकता था, लेकिन यातना सहकर भी स्वर्ण मृग ने उसे उस नदी से बाहर निकाल लिया। आदमी ने बाहर निकलते ही उस हिरण का शुक्रिया अदा किया। हिरण ने उससे कहा कि एक बात बोलूं, धन्यवाद तो ठीक है, लेकिन किसी से ये मत कहना कि तुम्हें स्वर्ण मृग ने बचाया है, वरना ये इंसान की फितरत है, मेरे पीछे पड़ जाएंगे और मेरी जान के लाने पड़ जाएंगे। उस आदमी ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। कुछ दिन बाद वहाँ के राजा की रानी ने एक सपना देखा जो स्वर्ण मृग का सपना था, और उसने राजा से जिद की कि मुझे स्वर्ण मृग चाहिए। राजा के सैनिक गांव-गांव जंगल-जंगल में मुनियादी करवा रहे थे कि किसी ने स्वर्ण मृग देखा हो तो बताओ, 10 सुंदर कन्याओं को उसको दान में दिया जाएगा और बहुत सा धन भी राजा की तरफ से दिया जाएगा। जिस व्यक्ति को स्वर्ण मृग ने बचाया था, उस व्यक्ति के मन में लालच आ गया। यही इंसान की फितरत है। उसने उस अपने लालच में राजा को सारी बातें बता दी और उस जंगल को भी बता दिया जहाँ पर वो स्वर्ण मृग रहता था। राजा के सैनिकों ने चारों तरफ से जंगल को घेर लिया और आखिरकार काफी कोशिश करने के बाद स्वर्ण मृग पकड़ा गया। पकड़े जाने के बाद उसे राजा के सामने लाया गया। स्वर्ण मृग इंसानी बातें समझ सकता था, उनकी तरह बोल सकता था। उसने राजा से कहा कि मेरा पता आपको किसने बताया है। तब राजा ने उस व्यक्ति की तरफ इशारा कर दिया जिससे स्वर्ण मृग ने नदी में बहते हुए बचाया था। स्वर्ण मृग ने कुछ अपनी भाषा में राजा को बात कही और राजा ने तीर उठाकर उस व्यक्ति को मार दिया। उस स्वर्ण मृग ने राजा से कहा था कि इस व्यक्ति की जान ले लो, क्योंकि वो एहसान फरामोश है। राजा को सारी सच्चाई जानने के बाद बहुत गुस्सा आया था, इसलिए उस व्यक्ति की जान ले ली थी। दोस्तों, इंसान को एहसान फरामोश कभी नहीं होना चाहिए। जिसने हमारे लिए कुछ भी किया है, उसके लिए अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा करने का भी आपको कोई अधिकार नहीं है। उस वक्त को याद कीजिए, उसने आपकी हेल्प की थी। आज उसकी हेल्प नहीं कर सकते तो कम से कम उसका बुरा करने की मत सोचिएगा। आशा है इस कहानी से सीख लेकर आप अपने जीवन में ये बात जरूर अपनाएंगे। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।